अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 15 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, लाइक तो बनता है इसका। अब क्वेश्चन 15 में आ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा फाइंड दी, ठीक है, वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन क्या है वह लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, और ये आपका है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3 और इसकी पावर है 1 डिवाइड बाय एक्स। लेकिन ये लेट किए बगैर नहीं होना, इसके लिए भी आपको मैं रेफरेंस दूंगा कि आप मेरी पिछले लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आप डायरेक्ट लिमिट तो नहीं पुट करते क्योंकि इसकी फॉर्म होती है लिमिट x अप्रोच टू नॉट एन जीरो, इन्फिनिटी होनी चाहिए थी एक चीज, और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x और इसकी पावर x ओवर 1 हो तो ये e के इक्वल होता है। ये केस हम बनाने वाले हैं। पहले तो हमें x अप्रोच टू जीरो बनाना है। अगर आप n इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x करेंगे, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू जीरो है, अगर 1 ओवर 0 करते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, का मतलब है n अप्रोच टू आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, तो n इक्वल टू आपका इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। इसका n इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पर इसी केस में देखा जाए तो x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आपने देखनी है कि लिमिट n अप्रोच टू आपका बन जाएगा इन्फिनिटी, और 1 प्लस अब x की जगह पर आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय n। अब जहां पर x है यहाँ पर आपका आ जाएगा जो n 3 नीचे है ना, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखा जाए तो 1 डिवाइड बाय n है और ये 1 डिवाइड बाय 3 है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी पावर में 1 ओवर x जो है वो आपका n हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। अब इनको इकट्ठा भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3n और इसकी पावर n ओवर 1 लिखी हुई है, क्योंकि 3n ओवर 1 होनी चाहिए। तो कमी किसकी है, यहाँ पर 3 की कमी है। ये 3 मैंने लगा भी दिया पावर में और बाहर 1 ओवर 3 भी कर दिया कटिंग करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये e के इक्वल हो गया और इसकी पावर 1 डिवाइड बाय 3 आ गई, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं इसको एक बार चेक किया, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है, और ये हमारा यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।